भगवान का शरीर भी दिव्य होता। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने भागवत में श्री कृष्ण की स्तुति की थी, अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपी। हे श्री कृष्ण, आपका शरीर पंच महाभूत से नहीं बना, आपका शरीर तो दिव्य है। तो भगवान का दिव्य शरीर वो कैसा होता है? सच्चिदानंद शरीर हम अपनी बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकते। भगवान का शरीर आनंद से बना होता है। अब आप सोचें, आनंद से कोई शरीर बना? ये भगवान का शरीर है। भगवान के शरीर के आनंद का हमें अनुभव नहीं हुआ। कामदेव ने एक रोम को देख लिया था और मूर्छित हो गया था। अगर अभी हम लोगों को भगवान के दर्शन हो जाएं, तो जानते क्या हो। अब देखिए, ऐसा होता है कि भगवत प्राप्ति से पहले भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन वो छोटा सा, जैसे वो टॉर्च लाइट घूमती है ना, ओहो घूम के चली गई। ऐसे ही भगवान ने झलक दिखा दी या दो मिनट दर्शन दे दिए, होगा। लेकिन जो वास्तविक दिव्य दर्शन भगवत प्राप्ति पर होंगे वो अलग बात। उस समय भगवान का दिव्यानंद मिलेगा। तो वो दिव्यानंद यदि अभी हमको मिल गया, उस आनंद को हम कथापि सहन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे वो फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे हमारा शरीर आनंद में भस्म हो जाएगा। हम लोग तो संसार के सुख को सहन नहीं कर पाते। किसी को पता चला तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई, लॉटरी मूर्छित। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी पांच बेटियां थी, पांचों का विवाह करना था। तो पिता बड़ा चिंतित, चिंता करते करते उसका हार्ट कमजोर हो गया। अब उसने एक दिन लॉटरी की टिकट खरीद ली, वो 1 करोड़ की उड़ीसा स्टेट की लॉटरी थी। वो तो ऑफिस गया हुआ था और घर में उसकी पत्नी ने चेक किया, मेरे पतिदेव को तो प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ का मिल गया। एक तरफ तो बड़ी खुश हुई, दूसरी तरफ चिंता करने लग गई। ये पतिदेव तो हार्ट के मरीज हैं, यदि उनको पता चला कि 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, ऐसा ना हो कि उनको हार्ट अटैक हो जाए। तो पति के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गई, कहा डॉक्टर साहब ऐसी समस्या, खुशी की बात लेकिन चिंता की बात। डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, जब आपके पति घर आएंगे मैं पहुंचूंगा और ये खबर मैं उनके सामने रखूंगा। वो पति देव आए, पत्नी चुप रही, डॉक्टर पहुंचे। तो डॉक्टर ने चाय का प्याला मंगाया, वो चाय पीने लगा। फिर उसने कहा भैया मान लो तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी खुले तो क्या करोगे? उसने कहा भाई वो ऐसा है कि मैंने अपने मोटरसाइकिल के लिए मॉर्गेज लिया था, उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा मान लो कि 5 लाख की लॉटरी खुल गई, फिर क्या करोगे? फिर तो सबसे बड़ी बेटी का विवाह करा दूंगा। अच्छा मान लो कि 20 लाख की लॉटरी खुल गई, वो धीरे धीरे बोलते हैं ना सॉफ्टन द ब्लो, तो चोट को थोड़ा सा सॉफ्टन करो, तो 1 लाख से शुरू होके 20 लाख। अच्छा मान लो कि तुम्हारी 80 लाख की लॉटरी खुली, फिर क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा क्या हवाई किले बना रहे, मेरे भाग्य में तो ऐसा लिखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो गया मैं आधा तुमको दे दूंगा। अब जैसे डॉक्टर ने सुना उसका हार्ट अटैक हो गया।
अर्थात हमारे अंतःकरण में सुख और दुख को सहन करने की एक सीमा होती, जहां वो सीमा पार हुई व्यक्ति मूर्छित हो जाता। तो ये मृत्यु लोक के सुख, इससे आगे स्वर्ग लोक का सुख, उसका तो हमें बिल्कुल अनुभव नहीं है। यदि कोई स्वर्ग का देवता आ जाए, इंद्र वरुण कुबेर, अब घबराइए मत, वो आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी भक्ति बंद कर दी है ना अब कलयुग में, तो वो क्यों आए। लेकिन अगर वो आ गए, उनके शरीर में जो सुगंधि है, वो सुगंधि ऐसी है, यदि हम सूंघ लें, बस हम सहन नहीं कर पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो स्वर्ग लोक का आनंद तो फिर भी सीमित है, और भगवान वाला आनंद अनंत मात्रा का है। यो वै भूमा तत्सुखम। तो भगवान के अनंत अनंत आनंद को हमारा शरीर सहन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं, गुरुजी भगवान के दर्शन कराओ। गुरुजी कहते हैं, पहले अंतःकरण को साधना के द्वारा तैयार करो, पहले अधिकारी बनो, उसके बाद वो प्राप्ति होगी। तो भगवान का ऐसा दिव्य शरीर है, अवर्णनीय है। अब कवियों ने वर्णन किया, तुलसीदास जी ने ही वर्णन किया भगवान के शरीर का रंग कैसा है। वो कहते हैं, नील सरोरुह नील मणि। भगवान के शरीर का रंग नील कमल के समान है। तालाब में नीले रंग के कमल उगते हैं ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं राम का रंग उस नील कमल के समान है। अब यहां पर कोई क्वेश्चन करे, नील कमल के में कौन सी विशेषता है? नील कमल को तो हम देखते हैं, रोमांचित तो होते नहीं, और भगवान के शरीर में ऐसा आकर्षण है कि राजा जनक सरीखे विदेह वो देख के प्रेमानंद में डूब गए। तो यदि राम नील कमल के समान रंग के हैं, वो दो कौड़ी के हैं। जी हाँ, ये जो कवि लोग कहते हैं ना नील कमल, ये तो उपमा मात्र है, ये असली रंग नहीं है भगवान का। असली रंग कैसा है? जैसा है वैसा है। उसकी उपमा किसके साथ दोगे? संसार के सब समान माया के बने लौकिक, भगवान का सौंदर्य अलौकिक। अब अलौकिक वस्तु की उपमा लौकिक वस्तु से दें, कैसे होगा? तो संत लोग या तो चुप रह जाए, अब चुप रह जाए तो लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होगा। हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए किसी ने कहा, इंद्र नीलमणि वो हीरा होता है ना उसके समान, किसी ने कहा तमाल पत्र के समान, किसी ने कहा कि अलसी के फूल पर प्रथम सूर्य की किरण पड़े उसके समान, किसी ने कहा कि नील कमल के समान। ये मात्र उपना है, ये भगवान का रंग त्रिकाल में नहीं है। वो रंग कैसा है कोई संत बताएगा ही कैसे? हमने अनंत जन्मों में भगवान के दिव्य जगत का अनुभव ही नहीं किया। जैसे एक नीम का कीड़ा होता, वो नीम का कीड़ा नीम के वृक्ष में रहता है और जीवन भर नीम के कड़वे पत्ते खाता। अब मान लो वो नीम का कीड़ा आ जाए आपके पास और आपसे पूछे, क्यों जी आप मुझे बता सकते हैं ये रसगुल्ला कैसा मीठा होता? आप कहेंगे, नीम के कीड़े तुमने चीनी खाई? नहीं साहब। गुड़ खाया? जी नहीं। मिश्री? जी नहीं।
कोई मीठी चीज खाई है? जी मैं तो नीम का कीड़ा हूँ, मैं निम्बोली में पैदा हुआ और जीवन भर नीम के पत्ते खाता रहा। तो आप क्या उत्तर देंगे? भाई नीम के कीड़े, तुमने कभी जीवन में कोई मीठी चीज नहीं खाई, हम तुमको कैसे बताएं ये रसगुल्ला कैसा मीठा है? यदि गुड़ भी खा लिया होता तो बोल देते 10 गुना अधिक। ऐसे ही हमने अनंत जन्मों में माया का ही अनुभव किया, दिव्य जगत का कोई अनुभव है ही नहीं, तो संत लोग हमें भगवान की दिव्यता समझा ही नहीं सकते, लेकिन आइडिया देने के लिए बोल देते हैं ताकि उसके आधार पर हम आगे बढ़ें। यानी कोई आइडिया बना के मन लगा के भक्ति प्रारंभ करें। तो ऐसा दिव्य शरीर है भगवान का।